स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एसटूटी में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे नासा के एक भारी मिस्टेक के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो आपको ये समझना होगा हमारा जो फाइनल गोल है, मतलब हम लोग करना क्या चाहते हैं रॉकेट बना बना के, कि एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते हैं जो SSTO हो। इसका मतलब ये है कि सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट। मतलब आपने रॉकेट लॉन्चेस कई बार देखेंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वो एक खाली पार्ट्स को ड्रॉप करते चला जाता है, तो अच्छा आइडिया नहीं है। मतलब आप चाहोगे कि एक ही चीज़ ऊपर चला जाए। तो ये हमारा फाइनल टारगेट है। मतलब ये जिस दिन इंसानियत कर लिया उस दिन इंसान स्पेस को, मतलब समझ लिए, कॉन्कर कर लेगा। दूसरा, ठीक है आप एक बार में पहुंच गए लेकिन वो रीयूज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप फेंके और काम खत्म। रॉकेट अभी इसीलिए बहुत महंगे होते हैं क्योंकि सीधे वन यूज होते हैं, बेसिकली यूज एंड थ्रो, लिखो फेंको पेन के टाइप हैं आजकल। तो उस कारण से रीयूज करना उसका बहुत प्रॉफिटेबल एस्पेक्ट हो जाएगा अगर हम लोग कर लिए तो। तो ये है इंसानियत का गोल, मतलब हर कोई यही अचीव करना चाहता है। तो अगर हर कोई अचीव करना चाहता है तो कर क्यों नहीं रहे। सबसे प्रॉब्लम वाला बात है जो फिजिक्स के लेवल पे है वो है रॉकेट इक्वेशन। तो इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 10 टन का फ्यूल है, मतलब 10 टन आपका फ्यूल है जिसमें ऑक्सीजन है और किरोसिन है, और आपने एक इंजन लगाया और आप बोले कि ठीक है ये आधा दूर चला जा रहा है लेकिन हमको और दूर जाना है तो हम इस पे दुगना फ्यूल डाल देते हैं, मतलब आप 10 टन की जगह 20 टन कर देते हैं, तो वो दुगना दूरी नहीं जाएगा, वो थोड़ा ही और दूर जा पाएगा। वो इसलिए कि जिस टाइम रॉकेट इंजन चालू हुआ उस टाइम वो 20 टन को ठेल रहा था, ना कि 10 टन को। तो ये आप समझ सकते हैं कि आप और फ्यूल डाल दोगे कि मतलब भैया ज़्यादा दूर जाओ ज़्यादा ऊपर जाओ, वो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके चलते उसको डेल्टा वी जो कहते हैं हम लोग, जिस मतलब कि गति में आपको कितना तेजी आया है, मतलब कितना स्पीड पे आप चल रहे हो पर सेकंड में नापा जाता है, मीटर पर सेकंड पे, वो पकड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्बाद कर दिया सिर्फ फ्यूल को ठेलने में। तो आप समझ सकते हैं ना कि मतलब ज़्यादा फ्यूल चाहिए आपको ऊपर जाने के लिए लेकिन वही फ्यूल का वजन ही आप कैरी कर रहे हो। इसलिए रॉकेट आप कभी भी ध्यान से देखिएगा तो मतलब 90% से लेकर 99% तो वो सिर्फ फ्यूल होता है, ऊपर छोटा सा पेलोड होता है। तो ये है रॉकेट इक्वेशन का प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग इसको बाईपास कैसे करते हैं, वो स्टेजिंग से, जिससे मतलब होता है कि हम लोग दो इंजन बनाएंगे। एक इंजन है सी लेवल के लिए जो सी लेवल को अच्छे से हैंडल कर लेता है, एक बनाएंगे जो वैक्यूम को अच्छे से हैंडल कर लेता है, एक बनाएंगे जो थ्रस्ट ज़्यादा देता है, एक बनाएंगे जो माइलेज ज़्यादा देता है, मतलब स्पेसिफिक इंपल्स। तो ये सब मैनेज करके अभी सस्ते में हम लोग निपटा लेते हैं स्टेजिंग करके। और SSTO बनाना बहुत चीज़ के साथ आपको छेड़छाड़ करना पड़ेगा, आपको किस तरह का फ्यूल यूज़ करेंगे, आपको किस तरह का इंजन यूज़ करेंगे। तो ये अनटेस्टेड टेक है और कोई भी इतना अमीर नहीं है, ना ही स्टीव जॉब्स, ना ही जेफ बेजोस और इलॉन मस्क, कोई इतना अमीर नहीं है जो इस तरह का चीज़ कर पाए। आप बोलोगे इलॉन मस्क तो अपना मतलब खुद का रॉकेट बनाया है, बात सही है, लेकिन रॉकेट इंजन जो है वो एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। जो रॉकेट उसने लिया वो रशियन डिज़ाइन पे बेस्ड था और वो काफ़ी टाइम से टेस्ट किया जा चुका है। मैंने SpaceX के बारे में वीडियो यहाँ बनाया है और आराम से आप देख सकते हैं कि वो एक टेस्टेड टेक्नोलॉजी को लिया, उसको लिया, उसको रिफाइन किया, नया टेक्नोलॉजी नहीं बनाया। ये ऐसा होता है कि आप एक मोबाइल फ़ोन लो और नया मोबाइल फ़ोन में आप उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, वो अलग बात होती है, लेकिन आप बोलोगे 3G से 4G में कूद जाना, वो अलग चीज़ हो जाता है। इसीलिए किसी के पास इतना पैसा अकेले नहीं है कि वो बना ले। दूसरा, आपको यह समझना होगा, जब मैंने कई बार नासा के बारे में कहा है कि नासा मुझे एकदम नहीं पसंद है, इसलिए नहीं कि नासा खुद बुरी है, लेकिन नासा ने स्पेस शटल बनाया था जो कि बहुत बहुत ही बुरा चीज़ था। जैसे ही स्पेस शटल बना, जैसे ही पहले 4-5 लॉन्च हो गए, उसके बाद ही उनको समझ में आ गया कि भैया ये इससे काम नहीं चलेगा। तो एयरफोर्स जनरली, एयरफोर्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के थ्रू नासा के पास गया था, बोला था कि हमको स्पेस शटल में इतना कार्गो का स्पेस दो ताकि हम अपने सैटेलाइट भेज सकें, स्पाई सैटेलाइट और वेपन्स प्लेटफॉर्म भेज पाएँ स्पेस में। लेकिन स्पेस शटल इतना टाइम लगा, मतलब आइडिया ये था कि हफ्ते हफ्ते में स्पेस शटल भेजा जा सकेगा, रियलिटी में ये हुआ, मतलब हकीकत में ये हो गया कि भैया साल में 3 लॉन्च भी करना मुश्किल हो रहा था। तो भैया एयरफोर्स को चाहिए तुरंत क्विक टर्न, और मतलब अब आज उन्होंने सैटेलाइट बनाया कल उनको चाहिए, खास करके वेपन सिस्टम पे जो वो उस टाइम काम कर रहे थे उसके लिए हिसाब ये था कि मतलब अभी बनाओ अभी लॉन्च करो। तो इस कारण से इनको इस तरह का डिले एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ और चाहिए जो कि सस्ता हो और जल्दी जल्दी किया जा सके। तो आया हमारे पास एक स्टाइल जिसको कहते हैं X-33। ये बनाने जा रहे थे हम लोग स्पेस शटल का रिप्लेसमेंट के तौर पे, और उस टाइम नासा ने ये आइडिया लिया कि पूरा खर्चा खुद ना देके वो खर्चा मतलब प्राइवेट कंपनी से मिल बांट के करेंगे। तो
एंड में ये होगा कि ये लोग नासा से, नासा आके इनसे टिकट खरीदेगी, मतलब जो भी कंपनी इससे बनाएगी उससे टिकट खरीदेगी, ना कि पूरा शिप खरीदेगी। तो टिकट खरीदने से बेनिफिट ये होगा कि ये लोग खुद ऑप्टिमाइज करेंगे कैसे इसको सस्ता बनाना है, कैसे इसका सारा मैनेजमेंट करना है। तो प्राइवेट कंपनी का बेनिफिट लेना चाह रहे थे। लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है जो कि खूब सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाती है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, मतलब रॉकेट इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने एक आइडिया दिया कि भैया एक सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट, जो स्पेस शटल की सारी गलती से सीख के वो ये इंजन जो आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है एरो स्पाइक इंजन। बेसिकली बेल के जगह पे ये बेल को ऐसे इन्वर्ट कर देता है तो एक स्पाइक बन जाता है, वो स्पाइक का इस्तेमाल करके जाना चाह रहे थे। स्पाइक से फ़ायदा ये होता है कि ये एटमॉस्फेरिक कॉम्पनसेशन होता है। बेसिकली अगर आप हवा में ऊपर जाते जा रहे हैं तो जैसे जैसे हवा का दबाव कम होता जाता है, रॉकेट का एग्जॉस्ट जो फैलता चला जाता है, अब वो जैसे फैलता जाता है उसका इफिशेंसी कम हो जाता है, मतलब कितना ताकत आप उससे निकाल पा रहे हैं वो कम हो जाता है। तो इस कारण से ये नोजल पे काफ़ी मेहनत किया गया था। ये नोजल अकेले 30-40% तक तेल, मतलब ईंधन बचा सकता था, और उसके बाद मतलब इसके और सारे भी बेनिफिट थे कि जिसको गिम्बलिंग नहीं करना पड़ता, मतलब जो इंजन को है दाएं बाएं ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, ये सब जो छोटे छोटे इंजन है उसको कंट्रोल करके, मतलब एक फिक्स इंजन से ही ये दाएं बाएं ऊपर नीचे मतलब गिम्बलिंग कर पा रहे थे। और इसका एक टेस्ट बनाया गया 1/3 स्केल का, जो हमेशा किया जाता है, मतलब जनरली कोई भी बहुत बड़ी चीज़ बनाने से पहले आप एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन बनाओगे। तो 1/3 स्केल बना के देखा गया और उसका 90% पार्ट बन चुका था, मतलब जितने चीज़ उसमें लगे 90% बन चुका है, 70% तक तो असेंबल भी हो गया था। तो अगर आप ये समझना चाहेंगे ये कितना दूर तक हो गया, ये हो गया इतना कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी इतना कंप्लीट नहीं है, और उसमें पैसा डाले जा रहे हैं, वो $10 बिलियन अब खा जाएगा जब तक लॉन्च होगा। तो इतना नई टेक्नोलॉजी है, इतना नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो हुआ क्या, तो जो नई चीज़ मैंने आपको बताई थी वो था, सबसे पहला था कि एरोस्पाइक इंजन मिलेगा जिससे जो पूरी तरह से हमारा अगर काम करता, और वो कैसे काम करता वो आपको एक ही तरीका, आपको टेस्ट करना पड़ता है। मार कंप्यूटर में सिमुलेशन के लिए कोई मतलब नहीं है जब तक आप रियल वर्ल्ड में टेस्ट नहीं करते, पहला तो वही। दूसरा कि सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट, मतलब एक ही रॉकेट आराम से चला जा रहा है ऊपर। तीसरा मतलब इसको स्पेस शटल की जितनी गलती से सीख के बनाया गया था तो इसका पूरा डिज़ाइन ऐसा था कि ये बहुत जल्दी रिफर्बिश किया जा सके, मतलब लैंड हो गया, लैंड के बाद तुरंत चेकिंग वोकिंग किया, दोबारा भेज दिया। और ये बहुत सारे सेप टेक्नोलॉजी ऐड किए थे जिसमें मेरा पर्सनल फेवरेट था हीट शील्ड। तो हीट शील्ड अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि स्पेसएक्स जो BFR बना रहा है, वीडियो यहाँ पे है, BFR में जब वो लैंड करेगा तो उस दरमियान उसको हीट शील्ड चाहिए, खास करके जब मार्स में वो लैंड करेगा तो हीट शील्ड मेटल वाला चाहिए, स्पेस शटल में सिरामिक वाले यूज़ किए गए। शील्ड बहुत अच्छा है, सिरामिक वाला शील्ड बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम ये है कि अगर उसको कुछ भी हुआ तो वो जीरो हो जाता है, 100 से 50, 60, 70 नहीं जाता, 100 से 0 चला जाता है, मतलब चटका तुरंत चुकना चूर हो जाता है। और वही हुआ था जिस स्पेस शटल में कल्पना चावला लौट रही थी, उसके विंग में छेद हो गया था, छेद होने से ये ना ही ये डिटेक्ट कर पाए कि छेद हो चुका है, मेटल रहने से आप एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी रन करके आप देख सकते हो कि ग्रीन लाइट आ रहा है कि नहीं, टाइल डैमेज हुआ है कि नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी मिस कर गए हम लोग, क्योंकि उसी सब बहुत सारे चीज़ को एक ही जगह पे ये लोग टेस्ट कर रहे थे। तो ये इतना अच्छा चीज़ होने के बाद भी इसको बंद क्यों किया गया, पॉलिटिक्स, मतलब सीधा सीधा हमेशा नासा के साथ मुझे यही प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स उसमें जो इतनी बुरी तरह से घुसा हुआ है। तो आपको अगर पॉलिटिक्स तो हर नेशनल गवर्नमेंट मतलब नेशनल एजेंसी में होती है, बात सही है, इसरो में भी है, लेकिन आपको ये समझ रहा होगा इसरो में पॉलिटिक्स इस तरह से है कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, काम खत्म। यहाँ पे इनका नासा में ये है कि सेनेटर्स वोट करते हैं, तो सेनेटर्स अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपना स्टेट वाला बोलेगा कि हम नासा को पैसा नहीं देंगे अगर नासा हमारे यहाँ ब्रांच नहीं खोलता है। अब क्यों चाहेंगे कि नासा हमारे यहाँ, मतलब उसके यहाँ एक सेलिंग पॉइंट हो जाती है कि हमारे यहाँ नासा सेंटर है, दूसरा वहाँ पे जॉब्स खुल जाते हैं। तो ये सब करने से मतलब पॉलिटिशियन का अपना काम हो जा रहा है, लेकिन नासा बहुत भारी कीमत भर रही है, क्योंकि आप जितने चीज़ को फैला देंगे आप नुकसान करेंगे, मतलब ये इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा मतलब रूल है कि आप कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बनाओ। ऐसा नहीं कि मतलब दिल्ली में एक चीज़ बन रहा है, मुंबई में एक चीज़ बन रहा है, ये मतलब समझ रहे हैं, कहीं चाइना में कोई और चीज़ बन रहा है, सबको ला के एक जगह पे करेंगे, वो आइडिया ही अच्छा नहीं है। और स्पेसएक्स इसीलिए सक्सेसफुल हो गया कि सब चीज़ को एक ही जगह पे बनाया, उसके बारे में वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यही है मतलब नासा ऑलमोस्ट एक मैजिकल चीज़ पे पहुँच गया था। हाँ, उसमें हर चीज़ सॉल्व नहीं हो जाता, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी मतलब टेक्नोलॉजी आगे चली जाती है, जो हम लोग मिस कर गए क्योंकि पॉलिटिक्स। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नासा के गलती के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दो, नहीं है कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट लिखिए कि आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिएगा घंटी ज़रूर बजेगी क्योंकि मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।